नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिना अल करीम, अम्मा बाद। قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من او كما قال عليه الصلاه والتسليم। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल हमारे हिंदू भाइयों की दिवाली का खुशी का मौका चल रहा है, जिसको वो ईद के तौर पर मनाते हैं। जिस तरह हम अपनी ईद के अंदर हर एक की खुशी चाहते हैं, छोटों की, बड़ों की, गैरों की, अपनों की, इसी तरह हमारे हिंदू भाई भी यही चाहते हैं कि हमारी ईद के अंदर हमारे अपने भी खुश हों और अपने मुसलमान भाई भी खुश हों, बड़े भी छोटे भी। लिहाजा इस बात का एहतमाम भी करते हैं, अपने घर बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और दोस्त व अहबाब के घरों तक, मुसलमानों के घरों तक इस खुशी के मौके पर मिठाई वगैरह भी पहुंचाते हैं। तो हमें इस हालत में इस वक्त क्या करना चाहिए? चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो मिठाई वगैरह हम तक पहुंच रही है तो उसमें देखना चाहिए कि अगर मिठाई बुतों की पूजा के बाद हम पर हमारे पास आ रही है, जिसको बुतों का चढ़ावा कहें या बुतों की पूजा के बाद उसको तकसीम किया जाता है, तो हमारे मुसलमानों के लिए ये चीज़ मुनासिब नहीं है। इस्लाम के अंदर इसको पसंद नहीं किया गया। दूसरी इस बात का ख्याल रखना है कि वो मिठाई जो आ रही है क्या हलाल कमाई की है या नहीं। अगर हलाल कमाई की है और बुतों का चढ़ा हुआ भी नहीं है तो उसका खाना दुरुस्त है, बिला करार। अगर हलाल कमाई नहीं है और बुतों का चढ़ा हुआ है तो उसका खाना दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे हजरात कहते हैं कि क्या हम इनको मुबारकबाद पेश कर सकते हैं या नहीं। कुछ लोग कहते भी, पूछते भी नहीं है। तो उन सब के लिए कहना यह है कि हम इनको मुबारकबाद नहीं दे सकते, लेकिन वो हमको देते हैं हमारी ईद के अंदर, तो हम अपनी ईद को मुबारक और मुकद्दस समझते हैं। खुशी का मौका है तो खुशी के मौके पर हमको कोई मुबारकबाद दे तो अच्छी बात है, हमें कबूल है और खुशी भी होती है। लेकिन हम इन त्यौहार के अंदर जो मजहब इस्लाम के अंदर इसको मुनासिब नहीं समझा जाता है तो इसकी मुबारकबादी भी देना भी दुरुस्त नहीं है। इस बात का ख्याल रखें। अलबत्त उनसे दीगर मामलात के अंदर खुश हों और जाती मामलात के अंदर खुश हों, लेकिन जिस बात के अंदर शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है उससे रुकना भी ज़रूरी है। तीसरी बात ये कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भी इस दिवाली के अंदर पटाखेबाजी करते हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं और इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो उनका अकीदा है, वो उसको अच्छा समझते हैं। लेकिन हमारे मजहब इस्लाम के अंदर ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, इससे अल्लाह और रसूल नाराज़ होते हैं। और दूसरी बात यह है कि फजूल खर्ची में शुमार हो जाता है, ये जो भी पटाखों के अंदर रुपया पैसा खर्च होता है ये फजूल खर्ची में शुमार होता है। और तीसरी बात, मैंने जो हदीस मुबारक पढ़ी है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, कि जो किसी गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो वो उन्हीं में शुमार किया जाएगा। अगर हम दिवाली के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे पटाखेबाजी के अंदर या दीगर रसूमात के अंदर, तो अल्लाह के नज़र में और शरीयत के नज़र में हम उन्हीं के अंदर शुमार किए जाएंगे। लिहाजा इससे बचना ज़रूरी है, खुसूसन अपने बच्चों की तरबियत करना ज़रूरी है। आजकल हम खुद भी बचते नहीं हैं और बच्चों को भी इसके अंदर मुलव्वस देखते हैं और ख़ुद लाकर खरीद कर देते हैं और सबके साथ खुशी मनाते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। बच्चों की तरबियत भी करना ज़रूरी है और मजहब इस्लाम के अंदर रहकर हर एक को खुश करें। उसके अलावा जो नामुनासिब बातें हैं उससे बचने की मुकम्मल कोशिश करें।
अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.